निरसा प्रखंड सभागार में शुक्रवार को निरसा चिरकुंडांचल पत्रकार संघ की बैठक संघ अध्यक्ष इंद्रदेव प्रसाद की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें पत्रकार सुरेश पासवान के साथ मासस नेता रामजी यादव द्वारा अभद्र व्यवहार मामले पर खास चर्चा की गई। निर्णय लिया गया कि निरसा SGPO से संघ का एक प्रतिनिधि मंडल मिलेगा और वस्तु स्थिति की जानकारी दी जाएगी। गोपीनाथपुर की महिला द्वारा सुरेश पासवान पर दर्ज झूठा छेड़खानी मामले की निष्पक्ष जांच एवं आरोपी रामजी यादव की जल्द गिरफ्तारी की मांग की जाएगी। बैठक के बाद प्रतिनिधि मंडल मैथन स्थित SGPO कार्यालय में SGO पीताम्बर सिंह खैरवार से मिले और मांग रखा। SGPO खैरवार ने दोनों मामले की निष्पक्ष जांच करने का आश्वासन दिया। मौके पर निरसा चिरकुंडा के पत्रकार संघ के सारे पत्रकार बंधु उपस्थित थे। किस तरह की कार्रवाई आपकी हो चुकी है इसके साथ मामला हुआ है? हाँ, निरसा थाना क्षेत्र में घटना संज्ञान में आई है, जिसमें पत्रकार बंधु के साथ वहाँ के कुछ लोगों ने कार्य करने के दौरान उनके साथ झगड़ा गाली गलौज मारपीट की है, जिसका लिखित शिकायत थाने में दी गई है और उसमें FIR दर्ज किया गया है। साथ ही जानकारी हुई कि उनके प्रतिपक्ष भी आवेदन दिए हैं लिख के, उन पर भी FIR दर्ज किया गया है। परंतु उसमें यही कहना चाहेंगे कि पुलिस निष्पक्ष रूप से काम करेगी और करती है, और जो आवेदन दिए हैं उनका स्वतंत्रता दिए हैं। हम लोग एकदम निष्पक्ष रूप से इसका जाँच करेंगे। जो दोषी रहेंगे उन पर कार्रवाई होगा और जो निर्दोष रहेंगे वो उन पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होगी।